गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आज एक नेक्स्ट लेवल को अपना लिया है किक बॉक्सिंग में। अनुज जी, आज हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या क्या वो तरीके हैं, वो एडवांस तरीके हैं जिनसे हम किक बॉक्सिंग के नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं। देखिए, पिछली बार जैसा आप जानते हैं, हमने कंसंट्रेट किया था अपनी अपर बॉडी की फिटनेस पे। ओके, बट जैसा कि हम कॉम्बैट आर्ट में मानते हैं, किसी भी मार्शल आर्ट दैट हमारी बॉडी की फिटनेस हमारी टांगों में होती है। अगर आपकी टांगे स्वस्थ हैं, ओके, ताकतवर हैं, तो आपके लिए हर एक्सरसाइज करना आसान होता है, भले ही वो जॉगिंग जैसी सिंपल एक्सरसाइज हो या फिर किकबॉक्सिंग जैसी एक कॉम्बैट आर्ट। तो अनुज जी, यहाँ पर मैं एक ये फोकस डालना चाहूंगा इस बात पर कि लोग ज्यादातर अपनी अपर बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं लेकिन लोअर लिम की एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं या फिर वो करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अपर बॉडी ही ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। देखिए, लोग फैशन के चलते ये चाहते हैं कि वो फिट लगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप स्पॉट फिटनेस कर सकते। जी, आप अपने बॉडी के सिर्फ एक पार्ट पे कंसंट्रेट करके उसको फिट नहीं बना सकते। जी, हमेशा आपके लिए भी ये बेहतर है और जो आसान भी रहेगा आपके लिए वो ये है कि आप अपनी पूरी पर्सनैलिटी पे ध्यान दें। ओके, अपनी पूरी बॉडी को फिट बनाने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ अपने लोअर लिम्स या अपर लिम्स किसी एक चीज पे कंसंट्रेट करें, बट की पूरी बॉडी को फिट बनाएं। ओके, आज हम देखेंगे किक बॉक्सिंग में कैसे अपने लोअर लिम्स को किक्स यूज करके फिट बना सकते हैं। तो पैरों का इस्तेमाल सही तरह से करना आज हम सीखने वाले हैं। यस, इससे ना तो सिर्फ आपकी फिटनेस बढ़ती है, आपका बैलेंस, आपका स्टेमिना, ये सब कुछ कई स्तर ऊपर जाएगा। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल। ओके, आज हम जो करेंगे उस किक का नाम है राउंड हाउस किक। राउंड हाउस किक मतलब ये एक हाउस ऑफ किक्स है जिसमें कि राउंड किक्स आते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि राउंड हाउस किक्स, जो कि लो राउंड हाउस किक है, जो कि कॉम्बैट में आप किसी के घुटने पे अटैक करने के लिए सेल्फ डिफेंस के भी काम ला सकते हैं, जी जी, वो करेंगे। ओके, इसके लिए बेसिक्स बिल्कुल सेम है पंच की तरह। आप खड़े होंगे, अपने पैरों को अपने शोल्डर विड्थ जितना ही चौड़ा रख के, ठीक है, अपनी कमर को और घुटनों को थोड़ा सा मोड़ के जैसे हम पिछली बार खड़े हुए थे, अपने हाथ आप ट्राई करेंगे अपने फेस के थोड़ी पास रखें। अब पिछली बार हमने अपने पैर को अंदर की तरफ मोड़ा था पंच करते हुए, आपको याद होगा। आज हम अपने पैर को बाहर की तरफ मोड़ेंगे, बाहर। कमर हमारी अभी भी झटका लेके आगे ही जाएगी, लेकिन उसके साथ हम अपने हाथ की जगह अपने पैर यूज करेंगे। पैर यूज करेंगे कैसे, देखिए, ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ट्राई करूंगा कि मैं इस हाइट पे अटैक करूँ। अब आप देख रहे होंगे जब मैं अटैक करता हूँ ना कि सिर्फ मेरा एक पैर बल्कि मेरी पूरी बॉडी मोशन में आती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप ज्यादा फिट बनते हैं क्योंकि आपका हाथ जो है एक छोटी मसल है कंपेयर टू आपके पैर की। ओके, जब आपने पूरी इतनी बड़ी मसल थाई और लोअर लेग दोनों यूज करते हैं तो आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, प्लस आप अपना बैलेंस बढ़ाते हैं। तो आई शुड ट्राई? यस। ओके, सांस को हर बार बाहर छोड़ना बहुत जरूरी है। ग्रेट। इसमें एक बात का ध्यान रखें कि अपने पैर से बैक को कभी ना मारें। ओके, क्योंकि पैर पे चोट लगने का इंजरी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ओके, जैसे आप इस वक्त जूते नहीं पहन के, ओके, अगर आपकी उंगली इस पे लगी, ओके, तो इंजरी होना निश्चित है। दोबारा, लेट्स सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। कैसा महसूस कर रहे हैं अनुज जी? मैं एग्जैक्टली बहुत ही ज्यादा गर्मी महसूस कर रहा हूँ अपने पैरों में। राइट। अब आपको लग रहा होगा कि आपकी कमर, आपकी थाइस और आपके लोअर लेग्स बहुत ज्यादा वर्कड आउट हैं और बहुत हीट अप हैं इस समय एक्चुअली। यस, तो इसको करते हुए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कभी भी ओवर ट्रेन ना करें। ये बहुत एडिक्टिव एक्सरसाइजेस होती हैं कॉम्बैट। आप अच्छा करने लगते हैं तो आपका मन करता है कि आप और करें, लेकिन ओवर ट्रेन करें। तो अनुज जी, शुरू करें एक्सपर्ट लेवल। बिल्कुल। ओके, मैं काउंट दूंगा, आप अपनी बॉडी की स्पीड के हिसाब से जितना आपको कंफर्टेबल लगे एक काउंट पे दो किक्स देंगे, स्टार्टिंग विद योर लेफ्ट। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
ग्रेट। तो आपको अपने पैरों में कैसा महसूस हो रहा है? अनुज जी, मैं एक्चुअली दोनों पैरों में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ महसूस कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि एक्सपर्ट लेवल पर जब आप जाते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैलेंस मेंटेन करके रखें। बिल्कुल, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आप किक बॉक्सिंग करते हुए ये स्पोर्ट इसलिए कर रहे हैं, कॉम्बैट स्पोर्ट, कि आपकी फिटनेस बढ़े, ना कि आप इसको करते हुए इंजर्ड हो जाएं। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर आप किसी भी मेडिकल कंडीशन से सफर कर रहे हैं जैसे कि बीपी, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिर इसको जरूर करें, क्योंकि बीपी के लिए, आपके ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन के लिए किक बॉक्सिंग बहुत फायदेमंद है। बिकॉज़ आई थिंक हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पैरों से ही पूरे शरीर की में ऊपर की तरफ आता है। बिल्कुल, और जब आप ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो एक स्ट्रीमलाइनिंग आपकी बॉडी में हो जाती है, आप इसे ओवरऑइलिंग की तरह समझिए, वैसा हो जाता है। साथ ही साथ अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जैसे कि अस्थमा, या आपको सांस बहुत चढ़ता है, स्टेमिना की कमी है, तो आप दोबारा ये करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम जी बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। वेल अनुज जी, आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को काफी मदद मिल रही है इन सभी टिप्स से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर सेगमेंट, और हम कोशिश करते हैं कि आने वाले सेगमेंट्स में भी हम और ऐसी चीजें लेकर आएं जो कि हमारे व्यूअर्स को तो हेल्प करे, साथ ही साथ मुझे भी हेल्प करे, मेरी भी मदद करे, बिकॉज आई एम एक्चुअली एंजॉइंग दिस टाइप ऑफ डूइंग एक्सरसाइजेस। लेट्स डू देम मोर देन। बिल्कुल, तो व्यूअर्स मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक मैं जा रहा हूँ एक्सरसाइज करने के लिए और अपना फिटनेस लेवल बढ़ाने के लिए। सी यू।